लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे जानते हो? हाँ, नाम मानक, पेशा दादागिरी, 10 बार जेल जा चुके हो और आजकल किसी फटीचर स्मगलर के फटीचर चमचे हो। और क्या जानते हो मेरे बारे में? एक ऐसी बात जो तुम भी नहीं जानते, और वो ये कि अभी तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। हंसु भाई, अरे अरे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, कहिए कुछ काम है क्या? हंसु भाई, यूनिफॉर्म पहनकर मैं आपके होटल में चीज पकौड़े खाने तो नहीं आया? जी वो तो है। वो आपका लॉबी मैनेजर अजीत कहाँ है? अजीत वो तो अपने कमरे में है। क्यों क्यों का पता कमरे में चलेगा? आइए मेरे साथ। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब। कहाँ है मिस्टर अजीत? वो तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। गुड मॉर्निंग हंसु भाई। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। अजीत, ये इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलना चाहते थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बाहर आ जाऊं? नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। अब मैं आपको चीज पकौड़े खिलाऊं? तुम भी कमाल करते हो अजीत, आज तो मैं सचमुच घबरा गया था। आप घबरा गए थे? ये दाव पेच मुझे सिखाई किसने? हाँ वो तो है, लेकिन आज तो चिल्ला गुस्से भी आगे बढ़ गया। ये तो दुनिया की रीत है। वाकई अजीत, तुम अपने काम में लाजवाब होते चले जा रहे हो। कल जब रायजादा साहब आएंगे तो तुम्हारी तरक्की देखकर बड़े खुश होंगे। रायजादा साहब कल जेल से रिहा हो रहे हैं क्या? नमस्ते जी। कैसे हो अंशु? ठीक हूँ सर। राजेदा साहब, ये अजीत है। हुँ? आपके पुराने दोस्त सूरज पान, उन्हीं का बेटा, और आपकी गैरहाजिरी में इन्होंने पूरा धंधा संभाला है। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। देखा रायजादा साहब, मैंने अजीत को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसा आप बनाना चाहते थे। हाँ देखा, वेरी गुड। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात बताओ कि राजेश्वर नाथ का कहीं पता चला? नहीं, उस मामले में हम लोग बिल्कुल फेल हो गए। उसको ढूंढने का बहुत कोशिश किया मगर। क्या अगर मगर हंसु भाई, जितनी होशियारी तुमने अजीत को पालने में दिखाई है, उतनी नालायकी तुमने राजेश्वर को ढूंढने में दिखाई। इतने अरसे से तुम एक आदमी का पता नहीं लगा सके? देखना, अगर वो जहन्नुम में भी छिपा होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अपने 14 साल की सजा की कीमत वसूल करनी है मुझे। हाय निशा। अजीत, हाय, यहाँ कैसे? उस जैकेट की पेमेंट लाया हूँ। निशा, ये लो पैसे। निशा, मजाक छोड़ो, ये पैसे लो। क्या सिर्फ इसीलिए आए हो? हाँ फिलहाल तो इसीलिए। मैं ये पैकेट नहीं लूंगी। क्यों? इसलिए जब तक तुमसे पैकेट नहीं लूंगी
तुम्हें ही रुकना पड़ेगा। इसे संभालो। ए, बुरा मान गए क्या? नहीं तो? तो फिर थोड़ी देर बैठो मेरे पास, कॉफी पीते हैं। चलो। अजीत, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गई हूँ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए कि एक तरह से हम दोनों अजनबी हैं, और मेरा तुम्हारे साथ इस तरह मजाक करना, छेड़ना, क्या अजीब नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी। हाँ वजह तो है अजीत, मैंने अब तक अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारी है, गलतियाँ से ही, जो कुछ भी किया अकेले ही किया, मगर तुमसे मुझे एक अजीब सा अपनापन मिला है। जी चाह कि तुम जैसा एक दोस्त भी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। अकेला तो शायद हर इंसान अपने आप को महसूस करता है निशा, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। थैंक यू।